नमस्ते, मैं बिल्डिंग हेल्दी सिटीज बीएचसी प्रोजेक्ट यानी स्वस्थ शहरों का निर्माण परियोजना से अलसा बख्तावर हूँ। हमारे सिस्टम मैप यानी मानचित्र को देखने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। यह मैप विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों को एक प्रभावशाली तरीके से दिखाता है और इंदौर की शहर प्रणाली के समग्र विकास पर उनके प्रभाव को दर्शाता है। इससे पहले कि आप इसके बारे में सीखना शुरू करें, मैं आपको हमारे मानचित्र की कुछ विशेषताओं के बारे में बताना चाहूंगी। अभी आप हमारे संदर्भ मानचित्र को देख रहे हैं और जिन सर्कल्स को आप देख रहे हैं वो सिस्टम के प्रमुख तत्व हैं। वे बढ़ या घट सकते हैं। मानचित्र पर प्लस और माइनस के संकेत हमें वृद्धि या कमी होने की स्थिति में एक प्रमुख तत्व के दूसरे पर प्रभाव के बारे में बताता है। रेखाएं प्रमुख तत्वों के बीच संबंध हैं और तीर मानचित्र पर विभिन्न चरों के बीच कारण लिंक की प्रकृति और दिशा दिखाते हैं। ये सर्कल और कनेक्शन मिलकर एक लूप बनाते हैं। ये लूप सिस्टम में बार बार चलने वाली गतिविधियों और प्रमुख गतिशीलता को उजागर करता है। आप इस आइकन पर क्लिक कर एक लूप पर जूम कर सकते हैं और इंदौर के उदाहरण और बीएचसी अनुसंधान और साक्ष्य को देख सकते हैं। आप प्रत्येक लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और यह आपको हमारे जेएसआई वेब पेज पर ले जाएगा, जहां पर सभी संसाधनों की सूची है। एक बार हो जाने के बाद आप यहां क्लिक कर जूम आउट कर सकते हैं और सभी 19 लूपों के संबंध के बिंदुओं को देख सकते हैं। आपको एक रंगीन कलर कोडिंग योजना भी दिखाई देगी। लाल रंग के सर्कल्स और लूप्स इंदौर की गहरी संरचना है, जो कि एक ऐसी गतिविधि है जो पूरे सिस्टम के सामान्य तत्वों को एक साथ जोड़ती है। बैंगनी रंग के सर्कल और लिंक हमें कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से चलाने और संसाधन के उपयोग के लिए जवाबदेही और प्रबंधन के स्तर के बारे में बताते हैं। नीले रंग के सर्कल और लिंक हमें इंदौर की सूचना प्रणाली की स्थिति के बारे में बताते हैं। आसमानी नीला सर्कल हमें बताता है कि इंदौर का बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली वर्तमान में कैसे काम कर रही है और हमें उन समस्याओं के पैटर्न के बारे में संकेत देता है जो अक्सर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। हरे सर्कल्स हमें स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रमों और उनके प्रभावों में आबादी को शामिल करने की शहर की क्षमता के बारे में बताते हैं। पूरे शहर के विकास के प्रमुख अवरोधकों को मानचित्र पर पीले रंग में हाईलाइट किया गया है। ये उन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो वर्तमान परिणामों के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में अक्सर पूरे सिस्टम में दिखाई देता है। मुझे आशा है कि जब आप हमारे सिस्टम मानचित्र को देख रहे होंगे तो आपको इस दौरान इंदौर की नगर व्यवस्था के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब आप हमारे मानचित्र के लिंक को अपने सोशल सर्कल के साथ ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन पर #buildinghealthycities के साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।